दोस्तों, मेरा नाम है देवर्थ नगरवाल। आप देख रहे हैं एसर टेलीकॉम का चैनल और आपकी डिमांड पे पहली बार एसर टेलीकॉम में आपको देखने मिलेगा डीएसओ, जी हाँ, डिजिटल स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप, जिसके बारे में पूरी मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये वीडियो जितने भी मोबाइल टेक्नीशियंस या जितने भी जो टेक्नीशियंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियंस हैं, जो गैजेट बना रहे हैं, ये उनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ मैं आपको डीएसओ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और डीएसओ के फंक्शन। दोस्तों, इसको हम पार्ट में बनाएंगे और अभी फिलहाल मैं आपको बताते हैं कि डीएसओ की वर्किंग किस तरह से होती है। और अभी मैं कोई आपको सेक्शन बना के नहीं बताऊंगा, पर मैं बहुत जल्द इस पर एक सेक्शन लाऊंगा और बहुत यूनिक सेक्शन लाऊंगा। कुछ रटे हुए या कुछ जो ऑलरेडी अपलोडेड है वो नहीं, कुछ नया एकदम जो आपको देखने को मिलेगा, जो खास है इसे टेलीकॉम। आपको पता है कि किस तरह से हम नए नए अपडेट लाते हैं, तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं डीएसओ, डिजिटल स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप, और इसके बारे में, इसके जो फंक्शन है, जब आप इसको फर्स्ट टाइम खरीदेंगे तो आपको उसको कैसे सेट करना है, और आपको इसकी जो मेन है, जो हमने सेट करके रखा हुआ है, बस एक बार सेट करके रख लेना है, और किस तरह से इसकी वर्किंग लेनी है। तो इसलिए मैंने एक फोन भी यहाँ पे रखा हुआ है, ये है Redmi Note 3। तो इसमें हम देखेंगे कि डीएसओ की किस तरह से वर्किंग इसमें हम दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आइए डीएसओ। तो देखिए दोस्तों, ये है यूनिट का हमारे पास में जो मशीन है, वो है यूनिट टी, सबसे बेस्ट। अगर आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा तो यही परचेस कीजिए। और अगर आपको, आप सोच रहे हैं कि मैं कहां से परचेस करूं, तो मैं नंबर आपको फ्लैश हो रहा है, ZX मलिक से आप परचेस कीजिए। बहुत अच्छे रेट पर आपको आपके होम पर डिलीवर हो जाएगा, होम डिलीवरी। सो आप ZX मलिक, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, एसर टेलीकॉम सेल नहीं करता है, सेल करते हैं ZX मलिक, जो कि इंडिया के सबसे बड़े एक डिस्ट्रीब्यूटर में से एक है। दिखाइए, तो ये हमारा जो मॉडल है, ये है यूनिट का UTD 2102 CEX, जो कि है 100 मेगाहर्ट्स। और 100 मेगाहर्ट्स क्यों, रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे फोनों की जो फ्रिक्वेंसी होती है, जिसमें क्रिस्टल 32 से लेकर 50 और 60 मेगाहर्ट्स तक की फ्रिक्वेंसी हमारे मोबाइल फोन में रहती है, तो ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए हमको 100 मेगाहर्ट्स का लेना है। सपोज अगर आप इसको सस्ते के चक्कर में 25 मेगाहर्ट्स का ले लेंगे, तो ये आप क्रिस्टल, बड़े बड़े जो क्रिस्टल है, जैसे RTC हो गया, जैसे उसका जो 32 होता है क्लॉक, 32 किलो हर्ट्स जो उसका होता है क्लॉक ऑसिलेटर जिसको हम बोलते हैं, वो आप चेक नहीं कर पाएंगे। तो इसको आपको जो लेना है वो लेना है 100 मेगाहर्ट्स। दिखा दीजिए यहाँ पर, तो ये हमारा दो चैनल पे है दोस्तों, इसमें चैनल 1 और चैनल 2। तो इसका ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो सबसे पहले हमें नोट करना है, अगर आप कॉपी पेन उठा लें, क्योंकि मैं ऑल, क्योंकि अभी हम बिलीव करते हैं कि अगर आपके नोट्स अच्छे होंगे तो आप कुछ भी कर पाएंगे, क्योंकि हर तरह की पढ़ाई हर जगह हो रही है, पर अगर आपके नोट्स बनेंगे तो ये आपके भविष्य में आपको काम में आएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपको परचेस करना है तो उसका नाम है UTD 2102 CEX, और कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है कि अगर हमें इसको परचेस करना है तो आपको बोलना है 100 मेगाहर्ट्स 2 चैनल का। अब आप बोलेंगे सर 2 चैनल क्यों, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको, अगर हम 2 चैनल यूज करेंगे तो एक ऊपर फ्रिक्वेंसी और एक नीचे, 2 फ्रिक्वेंसी आप मेजर कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर एक टाइम पे 2 फ्रिक्वेंसी, हाँ, तो जैसे कि अगर आप I2C लाइन मेजर कर रहे हैं, जिसमें आप SDA भी मेजर करना चाहते हैं और SCL भी, तो उस टाइम पे आप दोनों फ्रिक्वेंसी को एक साथ मेजर कर सकते हैं। अगर आप एक चैनल का यूज करेंगे तो आप एक वन टाइम 1 फ्रिक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक सबसे बड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल मैंने जो प्रूब मेरे पास आया है वो इस तरह का प्रूब है, जिसमें हम एक सिंगल फ्रिक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रूब इस तरह का दिखा देते हैं, ये देखिए, और इसमें इस तरह का एक कैप आया है दोस्तों। ये कैप में देखिए इस तरह का यहाँ पर आपको एंगल सा देखने को मिलेगा, देखिए, जैसे आपको यहाँ पे, आप इसको यहाँ पे पिन देखेंगे तो ये हुक की जैसे दिखाई देगी। बेसिकली ये पिन कहाँ यूज होती है, तो ये पूरा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस स्विच का क्या मतलब है, ये भी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वायर का क्या मतलब है, तो ये सारी चीज में आप इस वीडियो से जुड़े रहिए, पूरा देखिए, वॉच कीजिए एसर टेलीकॉम, जो कि लेके आए डीएसओ, और इसके अपडेटेड वीडियो हमारे ग्रुप, जो भी हमारे ग्रुप चल रहे हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट हैं, तो मैं सबको बता देता हूं कि आप सारे ग्रुपों में ये लिंक आपको शेयर कर दी जाएगी, जिसमें आप इसको अपडेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 7 इंच का आपको डिस्प्ले आपको दिखाई देगा, ये 7 इंच का आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। अब ये मॉनिटर है बेसिकली आपका, और यहाँ पे आपकी फंक्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, सब किस किस तरह के ऑप्शंस हैं। तो वो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इतने सारे ऑप्शंस के हमें बार बार टिक करने पड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान है। देखिए, मैं किसी वीडियो को कॉपी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपने लेवल पे हम बहुत सरल पे बताना चाहते हैं कि इसमें सिर्फ 1 टाइम आपको चीजों को एक्यूरेसी आपको सेट कर देनी हो।
फिर आपने बहुत ही कुछ ही चीज है जिसको आपको चेंज करना होता है। जैसे सपोज अगर मैं एसी पर चेक कर रहा हूं तो एसी कपलिंग चेंज कर ली, डीसी से एसी कर लिया, बाकी बहुत कम होता है कि इसमें आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत है। तो दिखाइए, तो सबसे पहले जब भी हम डीएसओ परचेस करते हैं तो ये हमारा देखिए ऑन ऑफ बटन है, मैं यहां से दिखा देता हूं। ये मैंने बंद किया तो देखिए ये ऑफ हो गया है, यहां से मैंने चालू किया ये ऑन हो गया। आप देख रहे होंगे कि जैसे ही ऑन हुआ सबसे पहले इसका लोगो आया, और लोगो आने के बाद में दो यहां पे लाइट आपको दिखाई दे रही है। तो एक लाइट यहां पे आपको दिखाई दे रही है CH1 पर, और एक लाइट दिखा रही है रन पे। CH1 पे इसलिए क्योंकि यहां पे दो चैनल है, देखिए चैनल 1 और चैनल 2। तो CH1 यहां पर अगर मैं इसको भी दबा दूं तो देखिए एक और लाइट जल गई, और यहां पे येलो लाइट जल रही है, तो यहां पे देखिए येलो कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, मतलब चैनल 2 की जो कलर है वो येलो दिया हुआ है। अब सपोज मैं CH1 को भी अगर बंद कर दूं तो देखिए यहां पे लाइट जलना भी बंद हो गई है, और यहां पर आपका चैनल 1 यहां पे देखिए ऑफ दिखाई दे रहा है, जैसे कि चैनल 2, और ये रन है। अगर आप इसको बंद कर देंगे और ये रेड हो जाएगा तो ये आपका बेसिकली यहां पे कोई भी फ्रिक्वेंसी आपको शो नहीं होगी, तो ये ऑलवेज रन होना चाहिए। तो सबसे पहले एक लाइट ये जल गई, फिर बाद में अगर आपने प्रोब यहां लगा दिया चैनल 2 पे और आप इसको चैनल 1 आप ऑन करके चल रहे हैं तो आप फ्रिक्वेंसी कभी मेजर नहीं कर पाएंगे। सो हमेशा ध्यान रखिए कि प्रोब अपना सबसे पहले चैनल 1 पे लगाइए, अगर 2 यूज कर रहे हैं तो चैनल 2 पे यूज कीजिए और चैनल 1 को ऑन कीजिए, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट चैनल 1 पे ऑन हो जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप चैनल 2 पे लगाएंगे तो आपको यहाँ चैनल 2 पर क्लिक करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा पास आइए, अब सबसे पहले आपको सेटिंग क्या करनी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब हम इसको परचेस करते हैं तो अक्सर ये होता है कि ये किसी दूसरी लैंग्वेज में होता है, जैसे चाइनीज लैंग्वेज में होता है, या किसी आप दूसरी कंट्री में परचेस करें किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। सो ये चीज हमें बताना है कि आपको इसके ऑप्शन में जाना है और इसकी लैंग्वेज चेंज करनी है। तो आप यहाँ पे एक बटन देख रहे हैं यूटिलिटी, थोड़ा पास ला के दिखा दीजिए। देखिए ये यूटिलिटी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यूटिलिटी को आपको प्रेस करना है। ये आपका एक तरह से ऑप्शंस है, जैसे हमारे मोबाइल फोन में सेटिंग्स होती है ना, वैसे ही हमारे फोन इसकी सेटिंग है। तो आपने जैसे ये प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे आपको सेल्फ जैसे आपको यहाँ पे ब्लॉक दिखाई देंगे, और आप देखिए हर ब्लॉक के बाजू में एक लाइन दिखाई दे रही है, मतलब इसको अगर आपको क्लिक करना है सेल्फ एडजस्टमेंट तो आपको F1 दबाना होगा, इसको क्लिक करना है तो F2, रिकॉर्डर को F3, लैंग्वेज को F4, और अगर आपको अगले पेज में जाना है जो कि यहाँ पे 3 पेजेस है तो आपने F5, जैसे ये हो गया दूसरा पेज, ये हो गया तीसरा पेज, और ये वापस आ गया पहले पेज पे। अब मैं आपको बताता हूं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले लैंग्वेज में जाना है F4, मतलब आप सिंपल सी बात है अगर ये चाइनीज लैंग्वेज में है तो आप यूटिलिटी दबाए, यूटिलिटी के बाद में याद रख ले और उसको लिख ले, यूटिलिटी के बाद में F4 प्रेस करें, और उसके बाद में यहां पर आप इंग्लिश को सिलेक्ट कर ले F4 दबा कर ही, देखिए बस, और इसको छोड़ दें तो ये ऑटोमेटिकली आपका चैनल इंग्लिश, तो ये ऑटोमेटिकली आपका इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये तो हमें देख लिया कि हमने सबसे पहले जो सेटिंग करनी है वो अपनी चैनल की, तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया कि सबसे पहले जो हमें सेटिंग करनी है वो डीएसओ की अपनी लैंग्वेज की। अब दूसरा सेटिंग हमें क्या करना है, हमें इसको कैलिब्रेट करना है। सो कैलिब्रेशन चेक करने के लिए यहां पर आपको सेल्फ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, थोड़ा पास लाके दिखा दीजिए, ये कि सेल्फ एडजस्टमेंट यहाँ दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है 1 दबाना है, क्योंकि 1 क्यों दबाना है, क्योंकि लाइन इस ब्लॉक पे आ रही है, तो जैसे ही 1 दबाएंगे तो आपको इसको एग्जीक्यूट कर देना है। अब जैसे देखिए मैं एग्जीक्यूट करता हूं इसको तो 1 ही दबाऊंगा, तो यहां पे आपको कुछ परसेंटेज दिखाई दे रहे होंगे, एक तरह से बार दिखाई दे रहा होगा, तो ये अपने आप को कैलिब्रेट कर रहा है। तो ये आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट टाइम आप करके उसको हर बार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 टाइम सेल्फ एजुकेट कीजिए। आप इसको टोटल तरीके से रिसेट भी कर सकते हैं, रिसेट क्यों, सपोज अगर आपने किसी से डीएसओ परचेस किया या आपने डीएसओ परचेस किया, दुकानदार ने उस पर डेमो दिखाया होगा, तो हो सकता है कि उसने कोई फ्रिक्वेंसी या किसी प्रकार की सेटिंग को छेड़छाड़ दिया, या आपके ही किसी दुकान में बैठकर किसी ने इसको छेड़छाड़ दिया, तो क्या होगा कि काम करने में दिक्कत होगी, तो समझ पाना कि कहां क्या किया है, तो उसको टोटल रिसेट करके आप शुरू से अपनी सारी सेटिंग को फिर से ला सकते हैं। तो क्या क्या सेटिंग लानी है इस वीडियो में पूरा बता रहा हूं, इसलिए पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए एक बार, सिर्फ एक बार, और वीडियो को बाद में फिर आप रख सकते हैं अपने पास जब भी आप डीएसओ परचेस करें। तो आप जैसे देख रहे हैं ये कैलिब्रेट हो गया है दोस्तों। अब इसके बाद जैसे कि मैंने बोला अभी हम यूटिलिटी में ही है, तो यूटिलिटी मतलब ऑप्शंस, तो यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सो क्या क्या है, अभी हमारा सेल्फ एडजस्टमेंट है, अब मेन्यू में देखिए 2 दबाऊंगा तो देखिए मेन्यू में आ रहा है मैनुअल, तो आप इसको हमेशा मैनुअल में सिलेक्ट करना है, बाय डिफॉल्ट है, इसको छोड़ दीजिएगा। रिकॉर्डर आपको छेड़ना नहीं है, लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जाएंगे आपको रिसेट है, अगर आप इसको दबाएंगे
जैसे F1, तो आप देखेंगे तो वापस वही आ जाएगा श्योर एग्जीक्यूट एंड क्लोज, मतलब रिसेट पे भी वो कैलिब्रेट करेगा और आपके सारी फ्रिक्वेंसी को रिसेट करके आपको दे देगा। तो अभी इस बार मैं क्लोज दबाऊंगा क्योंकि यहाँ पे लाइन क्लोज में है। अब इसके बाद मैं स्किंग दी हुई है क्योंकि हम ऑप्शन में है, सेटिंग में हम अपनी, सो हम 3 दबाएंगे। सो आप देखेंगे यहाँ पे तरह तरह की आपको स्क्रीन के कलर दिखाई देंगे। तो बेसिकली ये आपका एक कलर ये है, दूसरा कलर आपका ये है, तीसरा कलर ये है, और एक बाय डिफॉल्ट कलर जो आप देखते हैं हमेशा DSO में आपको ये दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्राइटनेस दिखाई देगी और फिर अगले पेज में आपको यहाँ पर अगर 1 दबाएंगे तो वर्जन, ये आपका वर्जन है, थोड़ा पास लाके वर्जन दिखा दीजिए। तो ये मॉडल नंबर है, हार्डवेयर वर्जन यहाँ पे दिया है, सॉफ्टवेयर वर्जन दिया है, सीरियल नंबर इस मॉडल का, और प्रोडक्शन डेट इस मॉडल की यहाँ पे बताई है कि 2020 9 7 का ये मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन एक यूनिट है। तो यहाँ पे आप वर्जन देख सकते हैं। और बाकी दोस्तों जो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं इसको आपको छेड़ना, ये जो मेन ऑप्शन है इसको छेड़ना नहीं है। सो नॉर्मली एक बार फिर बता देता हूँ, सबसे पहले जब भी आपके पास में ये आया सपोज, तो आपने क्या करना है, फिर से यूटिलिटी पे जाना है, फोल्ड करना है, F4 करना है, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, फिर सेल्फ एडजस्टमेंट पे जाना है, फिर सेल्फ एडजस्टमेंट पे, फिर सेल्फ एडजस्टमेंट पे जाना है, और इस पर जाने के बाद इसको एग्जीक्यूट कर देना है, बराबर सिर्फ इतना करना है और कुछ नहीं करना। कलर चेंज करना है तो यहां से नेक्स्ट जाके आप F3 से इसको कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया यूटिलिटी का काम। अब बात करते हैं कि क्या हमें नेक्स्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा है स्टोरेज, दिखाइए थोड़ा पास लगे, स्टोरेज का काम क्या होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप बता रहा है कि जो आपको वेव्स आएगी, मतलब जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो आपको वेव में लेना है या किस में लेना है। तो आप बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट है, आप इसको वेव में ही लीजिए। और सोर्सेज चैनल 1, अब सपोज आपने चैनल 2 पे लगाया हुआ है पर स्टोरेज में चैनल 1 है, तो बेसिकली ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप चैनल 2 कर रहे हैं तो इसको सोर्सेज चैनल 2 कर दीजिए, अगर इस पे लगाया तो चैनल 1 कर दीजिए। तो ये स्टोरेज है तो हमें यहाँ पे सोर्सेज चैनल 1, इसको भी हमें बाय डिफॉल्ट है, इसको छेड़ना नहीं है। बाकी हमें यहाँ पर भी दोस्तों किसी प्रकार की कोई भी चीजों को छोड़ना नहीं है, डिस्क लेंथ, तो ये सारी चीज यहाँ पे इसको एज इट यहाँ पे रखनी है। स्टोरेज को हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अब जाते हैं एक्वायर में। दोस्तों एक्वायर में आपको यहाँ पर एक मोड दिखाई दे रहा होगा, मैं ये मोड दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दिख रहा है एक सैंपल, एक पीक और एक एवरेज। सो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अगर आप एवरेज रखेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, तो ये ज्यादा आपकी अच्छी सेटिंग यहाँ पर मानी जाती है। तो यहाँ पर इसको एवरेज रख लेना है। सैंपलिंग आपकी रियल टाइम होनी चाहिए, बाकी एक रियल टाइम है और एक इक्वल टाइम है, तो इक्वलेशन और एक रियल टाइम है, तो रियल टाइम आपको यहाँ पर रखना है। और फास्ट एक्यूरेसी को मतलब इसको भी आपको टच नहीं करना है। अब बात जाते हैं मेजर की, तो मेजर पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पर आप जब भी कुछ भी मेजर करते हैं, जैसे कि मैं इसमें अभी एक प्रोटोकॉल की लाइन मेजर करूंगा, सो यहां पर मेजर करते हैं तो आपको यहां पर कुछ लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको आपको सेट करना है अकॉर्डिंग टू लाइन। सो सबसे पहले आपको यहां पर एवरेज यहां पर सिलेक्ट करना है, दूसरे नंबर पर पीरियड सिलेक्ट करना है, तीसरे नंबर पर राइज, चौथे नंबर पर फॉल और पांचवें नंबर पर विड्थ। तो ये पूरा आपने लिखना है दोस्तों कि क्या क्या यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एक बार सेटिंग करके छोड़ दोगे तो आपका DSO का काम हमेशा हो जाएगा, मतलब आपको फिर दूसरी बार करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए चैनल 1 पे मेरे को फ्रिक्वेंसी आ रही है तो मैं यहाँ पर एवरेज सिलेक्ट करता हूँ। सो मैं क्या करूंगा, 1 दबाऊंगा और वोल्ट पे जाऊंगा, तो उसके लिए F3 दबाऊंगा, और यहां पर अगर मुझे एवरेज सिलेक्ट करना है तो मुझे मीन सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब मैं नेक्स्ट दबाता हूं और देखिए मीन, और ये दबाने के बाद मैं देखिए चैनल 1 पे एवरेज आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ चैनल 2 पे, आपको मतलब इसी के सेकंड में आपके ब्लॉक पे आपने पीरियड सिलेक्ट करना है, तो वापस आपको F2 दबाना है और इस बार टाइम पे जाना है और ये आपको F3 दबाना है, तो ये पीरियड आ गया। और यहां पे हम बात करेंगे थर्ड पर, आपको यहां पर राइज सिलेक्ट करना है, ये एक बाय डिफॉल्ट फॉल्ट है, यह बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करके रखिए। तो हम 3 पे जाएंगे और यहां पर हम टाइम पे जाएंगे और ये राइज सिलेक्ट कर लेंगे। अब 4 में जाएंगे और यहां पर देखिए टाइम पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे फॉल, फॉल सिलेक्ट कर लेंगे और विड्थ पर। सो इस तरह से आपको अपने सारे चैनल को यहां पर सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों ये आपको देखिए यहां पे विड्थ आ गया, तो ये एक आप सिलेक्ट करके छोड़ दीजिएगा, ये आप लिख लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ जो भी मैंने समझाया उसको रिवाइज करके अच्छे से लिख लीजिएगा, उसको एक बार प्रीवियस कर लो वीडियो को और देख लो अच्छे से। तो ये सेटिंग आपने मेजर से करनी है, कभी भी जैसे हम चेक करते हैं तो मेजर का बटन दबा के हम उसको सेटिंग को वापस ला सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर कर्सर की, देखिए यहां पर कर्सर, तो कर्सर में है आप जैसे कि यहां पर देख रहे होंगे आपको यहां पर एक मेन्यू दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैं करूंगा तो अगर आपसे बोल्ड देखना चाहते हैं तो आप वोल्ट देखिए, तो यहाँ पे देखिए इससे वोल्ट आपको शो होगा, अगर आप टाइम देखना चाहते हैं तो फ्रिक्वेंसी शो हो जाएगी,
और अगर आप ट्रैक और टाइम मतलब सब देखना चाहते हैं तो आपको दोनों आ जाएगा, बाकी आप ऑफ चाहते हैं तो ऑफ रहेगा। ठीक है, तो कर्सर में ये हो गया। डिस्प्ले में आपको टाइप में वेक्टर, तो आपको हमेशा इसको वेक्टर रखना है। अगर आप जो फ्रिक्वेंसी है वो डॉट में नहीं चाहते तो आप इसको वेक्टर में, जैसे एक फ्रिक्वेंसी में आपको यहाँ पर चेक करके दिखाता हूँ। देखिए क्या है, ये हमारा प्रोब है और इस प्रोब को भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा हल्का सा लंबा होगा। सो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आप दिखा दीजिए, यहाँ पे दो सेटिंग है, ये आपका एक तरह से टेस्ट पॉइंट है और नीचे आपका कॉमन है, ग्राउंड है। तो आपको क्या करना है, इस वाले को सिरे को आपको ग्राउंड करना है और यहाँ पे आपको ये लगाना है और यहां से आप इसको कनेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे यहां पर, देखिए तो आपको यहां पे फ्रिक्वेंसी यहां पे दिखेगी, मैं आपको दिखा रहा हूं मेजर में। सो देखिए जैसे मैं मेजर में मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, दोस्तों जैसे ही आपने टिक किया तो सबसे पहले आप ये करें कि आप सबसे पहले एक ऑटो का बटन क्लिक कर दें। अगर देखिए ऑटो क्यों है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या क्या सेटिंग आपको करनी है, तो एक बार आप वंस ऑटो क्लिक कर लेंगे, जब भी आप कोई नई फ्रिक्वेंसी चेक करें आप एक बार वन टाइम ऑटो, ये ऑटो एडजस्टमेंट करता है सारी चीजें। अब आप देखिए यहाँ पर आप एक फ्रिक्वेंसी देख रहे होंगे, दिखाइए यहाँ पर, तो ये जो फ्रिक्वेंसी है ये एसी लेवल को यहाँ पर चेक कर रही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आप प्लस और माइनस दोनों में आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए मतलब ये आपको, तो ये जो फ्रिक्वेंसी है ये आपको जो दिखाई दे रही है ये एसी में दिखाई दे रही है, क्योंकि अप भी है और यहाँ पे नीचे आपको डाउन दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, उसको डीसी में करता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस चैनल वन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए कपलिंग में यहाँ जाऊंगा और इसको यहाँ पर डीसी में सिलेक्ट कर दूंगा, तो आप देखेंगे ये डीसी में चल रही है। अब मैं इसकी जो टाइम लिमिट है उसको मैं कम या ज्यादा कर सकता हूँ, और उसके साथ में यहाँ पे वोल्टेज को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ। देखिए वोल्टेज मैंने बढ़ाया तो ये आपको जो दिख रहा ही दे रहा है, ये फ्रिक्वेंसी आपको दिखाई दे रही है, तो ये फ्रिक्वेंसी को आप मेजर कर सकते हैं, ये टाइम लिमिट को आप बढ़ा सकते हैं, ये टाइम लिमिट को आप कम कर सकते हैं। ये देखिए ये टाइम लिमिट को आप कम कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना टाइम लिमिट बढ़ा सकते हैं। मतलब फ्रिक्वेंसी हर एक ब्लॉक आपका एक वोल्टेज को शो कर रहा है और हर एक ब्लॉक आपका इतने आपके टाइम को, मतलब इतना आपका हर्ट्स, तो ये 200 माइक्रो सेकेंड हर्ट्स ये आपको बता रहा है कि इतने हर्ट्स पे आपको फ्रिक्वेंसी आपको यहाँ पर मिल रही है। यही चीज आपको चैनल टू पे करनी है। यहाँ से वोल्टेज का एडजस्टमेंट होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज और यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी फ्रिक्वेंसी का। तो देखिए जैसे दो है इसको तीन पांच वोल्टेज करना है, तो अगर मैं इसको क्लॉक वाइज घुमाऊंगा तो ये वोल्टेज कम होगा और अगर मैं इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाऊंगा तो ये वोल्टेज बढ़ेगा, मतलब ये उल्टा की जैसे काम करता है। तो देखिए अगर मैं एंटी क्लॉक वाइज घुमाता हूँ तो ये देखिए पांच हो गया और मैं इसको क्लॉक वाइज घुमाता हूँ तो दो हो गया, तो जैसे कि आप इसको देख सकते हैं। बाकी यहां से अगर मैं इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाता हूँ तो ये यहाँ पर बढ़ेगा और क्लॉक वाइज घुमाऊंगा तो ये कम होगा। तो यहाँ पे भी सेम यही चीज है, और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी और यहाँ पे वोल्टेज ये आपको चेक करना है। तो ये दो मेन आपके यहाँ पर जो प्रूफ्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जो मेन आपके जो रेगुलेटर है जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये फ्रिक्वेंसी को कम और ज्यादा करने के लिए हैं। और जैसे कि मैंने बताया टेस्टिंग करने के लिए आप एक बार ऑटो दबा दीजिए और यहाँ लगा के एक बार टेस्ट कर लीजिए आपकी फ्रिक्वेंसी किस तरह से कैलिब्रेट कर रही है, आपको कितने हर्ट्ज मिल जाती है। मेजर करता हूँ तो यहाँ दिखाइए, तो यहाँ पर आप चेक कर रहे होंगे, देखिए एवरेज जैसे यहाँ पे 1.8 वोल्टेज यहाँ पर और इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की बात करूँ, जैसे मैं फ्रिक्वेंसी यहाँ पर सेट करना चाहता हूँ तो मैं मेजर पर जाऊंगा। अब सपोज मैं एवरेज पर, मैं CH1 पर जाऊं और मैं जाऊं टाइम पर और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी सेट कर लूँ, तो आप देखिए यहाँ पर हमें फ्रिक्वेंसी दिख रही है। तो ये हमारा एक तरह सा मेजर करने का हमारा यूनिट है। तो अब हम देखें हमें कितनी फ्रिक्वेंसी बन रही है, हमें 1 kHz तक फ्रिक्वेंसी यहाँ पर मिल रही है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं, अच्छा सपोज सेकेंड टू पे देखे, अगर सेकेंड टू पे मैं इसको टाइम कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर वोल्ट कर देता हूँ सेकेंड टू में, जैसे मैंने किया वोल्ट और वोल्ट में मैं यहाँ कर देता हूँ मी। सो आप देखिए यहाँ पर जो वोल्ट आपको देखने को मिलेंगे वो 1.68 या इस पर 1.8 पे वेरी कर रहे हैं और फ्रिक्वेंसी आपकी 1.0 किलोहर्ट्ज़ तक आपकी यहाँ पे वेरी कर रही है।
तो बेसिकली दोस्तों ये दो चीज तो आपने देखा, ये वोल्टेज का हो गया, ये आपने देखा फ्रिक्वेंसी का हो गया। मैं अभी यहाँ पे चल रहा था तो मैंने बताया यूटिलिटी से आप अपने डिस्प्ले को देख सकते हैं, अपने ऑप्शंस में सेटिंग में जा सकते हैं और आप अपने स्क्रीन चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और उसको रिसेट कर सकते हैं। स्टोरेज को आपको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इसको बाय डिफॉल्ट रहने देना है। एक्वायर पे आप सिंपल मोड में जा सकते हैं और सिंपल मोड से आप इसको जैसे मैंने बोला एवरेज। तो देखिए यहाँ पर मूड आपको चेंज होते हुए देखिए, यहाँ पर जैसे सिंपल मोड है, पीक मोड में देखिए इस तरह का आपको दिखाई देगा और एवरेज मोड में आपको इस तरह की फ्रिक्वेंसी दिखाई देगी। तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं रियल टाइम और एक्सप्लेनेशन टाइम, यहाँ पे आप रियल टाइम रहने दीजिए उसको, बाकी इसको आपको छेड़ना नहीं है। मेजर मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीजें क्या करनी है, जैसे मैंने फ्रिक्वेंसी और अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। कर्सर की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं देखिए वोल्ट है, ये टाइम हो गया और ये ट्रैक, तो मुझे सारी चीजें यहाँ पर एक ऑप्शन की तरह मुझे यहाँ पर दिख रही है। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। डिस्प्ले की बात करेंगे तो मुझे यहाँ पे वेक्टर रखना है, जैसे कि मैं बता रहा था। अब देखिए मैंने डॉट रख दिया तो देखिए फ्रीक्वेंसी मुझे किस तरह से आ रही है, और यही आपको वेक्टर रखना है। फॉर्मेट इसका YT है, इसको ST SY नहीं करना है। YT का क्या मतलब है मैं आपको यहां से दिखाता हूं। देखिए दोस्तों ये इसका जो आपका स्केलिंग, अगर मैं आपको यहां से बनाऊं तो देखिए इस तरह का है। इस जो आपको लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग आपको सीधी दिखाई दे रही है, यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं T और इसको हम मान लेते हैं Y। हम यहाँ पे जो भी चीज दिखाते हैं ये वोल्ट होती है और यहाँ पे जो चीज यहाँ पे आपको दिख रही है ये टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये फ्रिक्वेंसी यहां से लेकर इतनी फ्रिक्वेंसी ये चल रही है। सो सपोज ये हो गया आपका 1 वोल्ट, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, मतलब आपकी 3 वोल्ट तक आपको ये आपका जो भी फ्रिक्वेंसी के आप पॉइंट पर टेस्ट पॉइंट पे लगाए वहां पे आपको 3 वोल्ट मिल रहा है और ये आपको टाइम बता रहा है। ये आपको बता रहा है ये इतने टाइम पर ये आपका इतना पर सेकंड ये आपको चल रहा है। सपोज 1 2 3, तो ये 3 सेकंड आपका यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आपको ले रहा है। तो यही हर्ट्स होते हैं कि कितना साइकिल में कितना सेकंड, इसी को हर्ट्स बोलते हैं। सो बेसिकली इसको इसलिए आपको इसको YT में रखना है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूं, तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये सारी चीजें बताने के बाद दोस्तों बताता हूँ कि क्या इसके साथ आता है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पल्स आपको दिखाई दे रही है ये आपको थोड़ा सा आपको सीधी दिखाई नहीं दे रही है। जैसे अगर हम मान लीजिए हम अपनी पल्स को इस तरह से देखना चाहते हैं, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से शुरू भी यहाँ से हो, खत्म भी बिल्कुल सीधी रेखा में हो। तो हमें इसको अगर सेल्फ एडजस्टमेंट करना है अपनी पल्स का तो हम किस तरीके से करेंगे मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो इसके आपको इसके साथ में एक स्क्रू ड्राइवर मिलेगा, आपको क्या करना है थोड़ा सा यहाँ पे लाइए, तो यहाँ पे आपको प्रोब में ना इसको इस पे रखना पड़ेगा और इसके रख के तो ये प्री सेट जैसा एक ऑप्शन है, तो प्री सेट ऑप्शन में आपको ये रख के इसका कैपेसिटेंस को मूव करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसको रखेंगे और घुमाएंगे तो देखिए ये पल्स आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रही है। अब जैसे मैं इसको घुमाया तो देखिए ये पल्स आपको किस तरह से यहाँ पे बैंड दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल देखिए शुरू यहाँ पे आपको नीचे से हो रही है और जो खत्म हो रही है वो उधर से हो रही है, पर यहाँ से हम देखेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। तो ये आपकी पल्स आपको इस तरह से दिखाई दे रही है क्योंकि शुरू जहाँ से हो रही है खत्म वहां से हो रही है, सीधी हो गई है। तो इस तरह से हम इसको काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर ये बेसिकली होता है कैसे। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, वन टाइम सेट करना है। और यहाँ पर दोस्तों और बहुत सारी चीजें हैं इसको बताने के लिए, जैसे कि मैं फिर से एक बार यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या आपको करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप इसको ऑन करेंगे, आप यूटिलिटी में जाएंगे, अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, सेल्फ एडजस्टमेंट पे जाएंगे और इसको आप यहां से रिसेट कर देंगे। रिसेट करने के बाद में दोस्तों आप यहां पे इसको बिल्कुल छेड़िए मन, स्टोरेज में आपको कुछ नहीं करना है। आप एक्वायर में जाके आप इसको सैंपल मोड से आप इसको एवरेज में डाल सकते हैं और एवरेज में आप भरे इसको सैंपल में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह आप और समझेंगे जब और बेस्ट तरीके से जब आप आएंगे तो उसको और अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें एक्वायर में तो यहाँ पे हमको कुछ भी चेंज भी करने की जरूरत नहीं है और सैंपल और एवरेज का थोड़ा सा फर्क है। और अगर हम बात करेंगे मेजर की, तो मेजर में आपको यहाँ पर आपका जो भी आप मेजर करते हैं यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी नजर आती है। अभी हमने यहाँ पे टेस्टिंग मोड पे लगाया हुआ तो 1 kHz की यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आ रही है। और जो आपको यहाँ पे वोल्टेज देखे, अब जैसे सपोज यहाँ पे वोल्टेज आपको जो दिखाई देखे 144 mV आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि कर्सर में आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको मेन्यू यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मेन्यू शो हो जाएगा, ये वोल्ट का, ये फ्रिक्वेंसी का, ये ट्रैक और दोनों का और ये ऑफ।
और डिस्प्ले की बात करेंगे तो आपको वेक्टर पे रखना है, ये डॉट पे नहीं रखने, तो ये देखिए डॉट पे फ्रीक्वेंसी आ गई है, वेक्टर पे रखना है। और फॉर्मेट में वाई टी मैंने बताया था कि किस तरह से वाई और टी के आपका ये सिनारियो इस तरह का स्केलिंग है इसकी, जो ये लाइन है ये आपका टाइमिंग है, और ये जो ऊपर आपकी लाइन जा रही है, ये लाइन जो ऊपर जा रही है ये आपका वोल्टेज है और ये आपकी टाइमिंग है। और प्रीसेट इसको ऑफ रखना है, बाकी इसमें कुछ भी आपको छेड़ना नहीं है। यूटिलिटी ये सब हो गया, जब भी आप इसको चालू करें और जब एक बार काम कर लें या कभी भी कोई नया काम करें तो वन टाइम आप इसको ऑटो दबा दीजिए। ऑटो दबा देंगे तो आपका ही फायदा है, ये अपने आप ही सेल्फ एडजस्टमेंट सारी सेटिंग कर लेता है। अब सबसे पहले आप CH1 को प्रेस करेंगे तो आप पहले ये देखिए कि आप AC पे काम कर रहे हैं कि DC पे। अगर आप AC पे काम कर रहे हैं तो कपलिंग चेंज कीजिए और इसको AC कर दीजिए। तो देखिए ये AC हो गया, आप इसको ग्राउंड कर देंगे तो देखिए ये ग्राउंड हो गया, और आप इसको DC कर देंगे तो देखिए ये DC हो गया। तो बेसिकली अभी मैंने इसको देखिए AC पे किया हुआ है, क्योंकि मैं अभी जो लाइन चेक कर रहा हूँ वो लाइन चेक कर रहा हूँ एक चालू हैंडसेट है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक फोन है, चालू हैंडसेट है जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है, दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखिए ये देखिए यहाँ पे Redmi Note 3 आपको आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे USB की फ्रिक्वेंसी बता रहा हूँ दोस्तों। USB की फ्रिक्वेंसी आप कैसे चेक करेंगे, आप सोचेंगे सर चार्जिंग की चेक कर रहे हैं या किसकी चेक कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं मैं एक प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ। जैसे डाटा कम्युनिकेशन है, आप देखें डाटा कम्युनिकेशन दो तरह के आते हैं, सीरियल और पैरेलल। सीरियल में आप देखेंगे कि USB, JTAG और बहुत सारे जो डाटा कनेक्शन, SPI, I2C कनेक्शन है। तो ये जो कनेक्शन है ये सारे हमारे प्रोटोकॉल है, और इन प्रोटोकॉल के तहत हम अपने डाटा को ट्रांसफर रिसीव करते हैं। तो जैसे आप तो सब जानते हैं कि मोबाइल का जो डाटा हम ट्रांसफर रिसीव करते हैं वो USB से करते हैं, और C टाइप कनेक्टर वो सारे USB के। XT टाइप में आपको 3.0 का वर्जन देखने को मिलेगा, और नॉर्मल आप इस कनेक्टर पे 2.0 वर्जन देखने को मिलेगा, जो कि आपको लगभग 400-500 KB पर सेकेंड के सब तक का डाटा ट्रांसफर करेगा और रिसीव करेगा। सो डाटा ट्रांसफर रिसीव करने की जो फ्रिक्वेंसी है आप मेजर कर सकते हैं DSO से। सपोज आपके पास कोई फॉल्ट आता है, और ये फॉल्ट ये होता है कि सर मेरा फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, या मेरे को प्रोग्रामिंग या करना है, या फिर जैसे फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है या फ्लैशिंग करनी है या बूटिंग करनी है, D+D- का आपका यूज करना है बेसिकली, और वो यूज नहीं हो रहा है। तो आप चेक कर रहे हैं कि सर वोल्टेज मैंने रीडिंग चेक की, मुझे रीडिंग तो मिल रहा है पर वोल्टेज की नॉलेज नहीं है। हालांकि बिना DSO से चेक कर सकते हैं, पर DSO में हमें वोल्टेज के ऊपर एक फ्रिक्वेंसी मिल जाती है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो अब थोड़ा सा एक और बार यहाँ पे ऑप्शन में बता दूं, जब हम CH1 को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन बनकर आ जाता है कपलिंग, जैसे मैंने बताया DC और AC, और ये आपको बैंडविड लिमिट है, ये आपको सिलेक्ट नहीं करनी है। और जो ये लिमिट आपको दी हुई है BW, जो बैंडविड लिमिट दी हुई है, ये आपको सिलेक्ट नहीं करनी है। वोल्टेज डिवीजन इसमें आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। प्रूफ सर उसको, अगर आप हायर वोल्टेज पे काम करेंगे तो इसको आपको 10S 100, जैसे आप CFL आप चेक कर रहे हैं तो इसको 1000, या मतलब जो भी आप बड़े आप वोल्टेज चेक करेंगे। हालांकि मैं 1X पे काम कर लूंगा तो मैं 10X पे भी, कई लोग रख के इसको काम करते हैं, कई लोग इसको बाय डिफॉल्ट 10X पे रख देते हैं। सो मैं ये चाहूंगा कि इसको मैं 1S पे रखूं और इन्वर्ट में इसको ऑफ करूंगा। बाकी आप देखिए यहाँ पर बहुत सारी जो सेटिंग है वो किसी ज्यादा काम की नहीं है। नॉर्मली अगर आप इसके बिना भी काम कर सकते हैं, बट अगर इसका भी नॉलेज हो तो आपके लिए और भी बेस्ट होगा। किसी दिन मैं इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बाकी सेटिंग बताऊंगा कि सेट टू 0 क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो ट्रिगर दिखाई दे रहा होगा, सो बेसिकली ये जो ट्रिगर लेवल है, इससे हम अपनी फ्रिक्वेंसी को रोक के हम उसकी टाइमिंग और फ्रिक्वेंसी हम पूरा चेक कर सकते हैं। सेकेंड टू सेकेंड इसको हम नोट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे मैं सेट टू 0 दबाता हूँ तो आप देखिए सेट टू 0 से यहाँ पे सेट हो गई है। और जब मैं इसका लेवल को एडजस्ट करूंगा, मैं बिल्कुल इसको ऊपर तक लाऊंगा यहाँ पर, तो ये देखिए वापस रनिंग हो गई है। तो नीचे लाऊंगा तो देखिए ये थोड़ा रुक गई है, और ये रुक कर आप इसको चेक कर सकते हैं आपकी फ्रिक्वेंसी। सो बेसिकली ये चीज आप मेजर कर सकते हैं ट्रिगर से। तो यहाँ पर ट्रिगर बटन आपने देख लिया, आपने सेलेक्ट टू 0 बटन दे दिया, और भी कुछ यहाँ पे जो बटन है, हम बहुत सारे बटन यूज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ये सारे बटन को छेड़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जो मेन है वो मैंने आपको बताना है, और वो कवर करने की कोशिश की है। मैं एक बार अब इसके साथ में डाटा की फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को मेरा फोन शो हो रहा है। देखो मेरा फोन यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, हालांकि मैंने अभी फोन से उसको USB को मैंने अभी ऑथराइज नहीं किया है, तो इसलिए वो अंदर शो नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे मेरा फोन कनेक्ट हो रहा है। तो आप देखिए इसको मैं किस तरह से शो करूंगा, दिखाइए यहाँ पर। तो आपको करना क्या है, ये आपका टेस्टिंग पॉइंट है, ये आपका ग्राउंड है, और हम इसको रखते हैं DC पे, हमने रखा हुआ है। ये देखिए ये आपकी फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर, और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आएगी इस तरह से, और यहाँ एवरेज के नीचे आपको वोल्टेज। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये हमें फ्रिक्वेंसी मिल रही है 8 किलो हर्ट्ज की,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 किलो हर्ट्ज की यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हमें मिल रही है। उसके जस्ट बगल में हम यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी हमें फ्रिक्वेंसी मिल रही है। तो ये जो फ्रिक्वेंसी आपको जो देखने को मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि हमने मिली सेकेंड में किया हुआ है, अब देखिए हम इसको थोड़ा सा मिली के सेकेंड से इसको राइज करते हैं और देखिए माइक्रो सेकेंड पे ले आया मैं इसको, टाइमिंग मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा दी है। तो देखिए फ्रिक्वेंसी में चेंजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, और अगर मैं टाइमिंग बढ़ा देता हूँ यहाँ पर देखिए, तो ये आपकी जो फ्रिक्वेंसी है ये यूएसबी डाटा प्लस और डाटा माइनस की फ्रिक्वेंसी है जो आपको देखने, बस सिर्फ इतना देखना है अगर मान लीजिए आपने ये लगाया और ये आपको फ्रिक्वेंसी मूव नहीं होती है, जैसे कि बोलते हैं ना कि हॉस्पिटल में कि आदमी मर जाता है तो सीधी साइकिल जाती है, प्लेन लाइन आदमी मोर जिंदा है तो मूव करती है, सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं है, 3-5 बहुत आसान है। और ऐसे ही हम इसमें I2C की लाइन हो गई है, SPI लाइन हो गई है, इसमें क्लॉक की लाइन हो गई है, नेटवर्क के सेक्शंस हो गए, ऑडियो के सेक्शंस हो गए हैं, इसमें फिंगरप्रिंट हो गया है, टच की लाइन हो गई है, हर जगह है, क्योंकि क्लॉक सिग्नल हर जगह जाता है, हर एक सेक्शन में मूव होता है, हम वहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, आपका वाईफाई हो गया है और बहुत सारे सेक्शंस के अलावा। दोस्तों सबसे बड़ी बात कि परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर एक अच्छा बजट है, अगर आप इतने लेवल तक सीख गए हैं, अगर आपको IC लगाने में निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको ट्रेसिंग का नॉलेज है और आप सर्किट डायग्राम भी सीख गए हैं, तो मुझे लगता है तब आपको ये लेना चाहिए। पर अगर आप सिर्फ एक शुरुआती लेवल पे हैं, आपको अभी ट्रेसिंग का नॉलेज नहीं है, या आप सीख रहे हैं अभी भी, आप सप्लाई अभी भी आप ये सोचते हैं कि ये कनेक्टर की ये लाइन कहाँ जाती है, तो वो ढूंढने के लिए, उसको पता करने के लिए, डायग्राम सर्किट नोटिस करने के लिए, सबके लिए थोड़ा वक्त लगता है। और जब तक आप पूरा वक्त अपना उतना उस पर देंगे, तब आप एक अच्छे टेक्नीशियन बनेंगे और उसके बाद ही आप अपने शॉप पे जरूर रखिए। शुरुआत में लेके बैठ जाएंगे सिर्फ चमकाने के लिए या रखने के लिए, तो दोस्तों अगर ये रखते तो हम बहुत पहले रख लेते और हर एक स्टूडेंट को देते। आज हमारे हर स्टूडेंट का UFI है, क्योंकि UFI जरूरी है। अगर आप UFI कर रहे हैं तो UFI आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ UFI सामने बोर्ड में समझा दूं या एक बार क्लिक कर दूं तो स्टूडेंट क्लिक देख के चलाएगा, पर घर जाके खुद कुछ नहीं करेगा 10 दिन बाद जाके, जब तक वो जीरो हो जाएगा। इसलिए नोट्स भी लिखवाते हैं, कोशिश ये करते हैं कि जो चीज आप सीख रहे हो वो चीज लेकर आओ, ताकि उसमें आपका अच्छा खुद का भी प्रैक्टिकल हो। तो बेसिकली ये है DSO एसर टेलीकॉम की पहली पहल, और इसके साथ आप नया कुछ वीडियो इसके साथ में क्या देखना चाहते हैं, और हम आपको इसमें कुछ नया एक सेक्शन लेके आएंगे और एक किस तरह से फॉल्ट फाइंडिंग करें DSO से। हालांकि जैसे मैंने बताया USB डाटा प्लस डाटा माइनस से, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे DSO में देख रहे हैं। मैं हूँ देवेंद्र अग्रवाल, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको पढ़ने आना है तो आप पढ़ने आ सकते हैं, हमारी दो वेबसाइट है www.acertelecom.info, एक हमारी वेबसाइट है www.acertelecommobilerepairing.com। दोस्तों उसके अलावा एक मेरी बुक है, आप ये बुक परचेस कर सकते हैं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बुक को परचेस करने के बाद में आप बहुत अच्छे टेक्नीशियन बन जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। आपको थोड़ा सा नॉलेज जरूर मिलेगा, हो सकता है कि कुछ जहां डाउट्स हो वो डाउट क्लियर हो जाएंगे, बाकी इसको करने से आप दुकान नहीं खोलना है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लिखी जाती है एक तरह से नोट्स से, और नोट्स यहाँ पर इस तरह के आपको हम घर बैठे दे रहे हैं। अगर आपको इसको परचेस करना है तो नीचे लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आपको हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और अगर आपको DSO परचेस करना है तो आप ZX मनी को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है?